योग वो विधा है जो रोग को दूर रखती है, ऐसी साधना है जो लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाती है, एकाग्रता जो विकारों को सही आकार देती है। ये अद्भुत गुण है योग के, जिसे हिंदुस्तान से दुनिया भर ने सीखा है। ये साधना विश्व को निरोगी काया दे सके, इसके लिए हर साल 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिन हरियाणा में भी पूरे उत्साह से मनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के लोगों के साथ योग की क्रियाएं की, बताया कि आखिर क्यों विश्व इस साधना को तेजी से अपना रहा है। जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने की का तरीका भी बताती है, साथ ही साथ ये मन चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पानीपत में लोगों के साथ योग किया। शिवाजी स्टेडियम में बरसात के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लोगों के साथ योग के आसन को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने योग में अपनी निपुणता और दैनिक अभ्यास को दिखाया और लोगों को भी संदेश दिया कि किसी एक दिन की बजाय रोजाना योग क्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि स्वस्थ मन सशक्त समाज का आधार बन सके। हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। डायरेक्टर जनरल आयुष साकेत कुमार जी ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। मन में एक विचार आया है कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का ये हिस्सा बना हुआ है। 25 मिनट से 45 मिनट, एक घंटा, जो जितना ज्यादा कर सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। भारत में योग दिवस की तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है, ताकि दुनिया देख सके कि योग की समृद्ध साधना अपने भीतर कितने गुणों को सहेजे हुए है और मुश्किल से मुश्किल विकारों को दूर करने की क्षमता रखती है। ये साधना जितनी पुरानी है उतनी ही असरदार भी, बस देर है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बापता और पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।